पीएम सीरी स्कूल, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इन स्कूलों के टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए 3 दिवसीय एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, क्षमता निर्माण कार्यशाला। जगाधरी ब्लॉक में आने वाले स्कूलों पीएम सीरी स्कूल मंडोली और पीएम सीरी स्कूल दामला के लिए यह कार्यशाला पीएम सीरी स्कूल दामला में आयोजित की गई, जहां पर सभी टीचर्स जो इन स्कूलों में पढ़ाते हैं उन्होंने इस कार्यशाला में भाग लिया। 3 दिन की यह कार्यशाला थी, तो इस कार्यशाला के लिए पूरी एक रूपरेखा बनाई गई थी कि पहले दिन क्या पढ़ाया जाएगा, किन विषयों की जानकारी दी जाएगी, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा। तो पहले दिन जो सेशन जो चला उसमें जो मेन मुद्दा रहा वो ग्रीन एंड क्लीन पीएमसीरी स्कूल रहा, कि स्कूलों में जो ग्रीनरी है वो कैसे बढ़ाई जाए, उसमें जो हरित वो क्षेत्र है वो कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे, क्योंकि जितना स्कूल में पार्क होंगे, पेड़ पौधे होंगे, स्कूल उतना ही अच्छा लगेगा। तो पहले दिन ये रहा। 28 तारीख को इस कार्यशाला का दूसरा दिन था। इसमें जिस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया वो मेंटल हेल्थ था, मानसिक स्वास्थ्य था, और एक्शन प्लान क्या होना चाहिए पीएम श्री स्कूलों के लिए, इस पर भी एक विस्तार से चर्चा की गई। तो इसके अलावा स्कूल लीडरशिप फॉर पीएम सिटी स्कूल की नेतृत्व जो क्षमता है वो कैसे वहाँ पर बढ़ाई जाए, इसमें सभी बातों पर जो दूसरा दिन था उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य ट्रेनिंग तो SCRT गुड़गांव में आयोजित की गई, जहाँ पर पीएम सिटी स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने भाग लिया। बाकी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो हर ब्लॉक के एक स्कूल निर्धारित किया गया, वहाँ पर हर ब्लॉक के स्कूल में जो पीएम सिटी स्कूल आते हैं वहाँ पर दी गई, क्योंकि पूरे दिन की ट्रेनिंग थी तो इसलिए भोजन की जो व्यवस्था थी वो भी स्कूल में ही की गई, ताकि जो टीचर्स हैं अपने सही समय पर भोजन कर सकें। तीसरे दिन की जो ट्रेनिंग थी जो 29 तारीख को थी, उसमें 3-4 मुद्दों के ऊपर स्कूल इनोवेशन इनिशिएटिव एक ये भी टॉपिक था, और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी गई। वोकेशनल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए स्कूलों में, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, और सेल्फ डिफेंस जो आजकल एक मेन मुद्दा है जो हम कहते हैं जिसको आत्मरक्षण। और उसके बाद 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद कितना अध्यापकों ने इसका फ़ायदा उठाया, वो एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग थी ये। और इसके बाद 29 तारीख को ये ट्रेनिंग समाप्त हो गई।